हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना माय फेवरेट बर्ड पिकॉक के रिगार्डिंग जो है पैराग्राफ लेकर आया हूँ। मैंने यहाँ पर ना 10 लाइन में लिखा है, आप इसको पैराग्राफ पे भी लिख सकते हैं। तो मैं इसमें एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा और अच्छे से आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर माई फेवरेट बर्ड का मतलब होता है मेरा प्रिय या मनपसंद पक्षी जिसका नाम है पिकॉक। और ये जनरली 5वीं क्लास और 6th क्लास में क्वेश्चन पूछा जाता है पैराग्राफ में। तो पहली लाइन है माई फेवरेट बर्ड इज अ पिकॉक, मेरा मनपसंद पक्षी है एक पिकॉक, ठीक है, यानी कि मोर मेरा मनपसंद पक्षी है। फिर सेकंड लाइन है इट इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फिर थर्ड लाइन है इट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, यह बहुत सुंदर पक्षी है, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ लाइन है यहाँ पर इट्स, यहाँ पे ये एपोस्ट्रोफी लगी हुई है, इसका मतलब का, ठीक है। तो इसके सिर पर इट्स हैड क्राउन, मतलब इसके सिर का क्राउन पूरा इकट्ठा है, इट्स हैड क्राउन मेक्स हिम मोर ब्यूटीफुल। इसके सिर पर क्या है, क्राउन है, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। समझ में आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इट्स स्मॉल आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, इसकी छोटी छोटी आंखें बहुत ब्यूटीफुल हैं। फिर है इट्स फीदर्स मेक हिम अट्रैक्टिव, इसकी जो पंख है ना वो इसको और ज़रा अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत ज़रा और आकर्षक बनाता है। इट इज नॉन वेजिटेरियन, ये नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। इट ईट्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जीव खाता है। इट डांसेस व्हेन द रेन कम्स, वह नाचता है जब बारिश आती है। आई लव दिस बर्ड वेरी मच, मुझे ये पक्षी बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।